हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। याद रखिए, हम लोग विश्व का इतिहास देख रहे हैं, भारत का इतिहास पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं वो सभी क्लास, तो आप लोग प्लेलिस्ट सूची में सामान्य ज्ञान के नाम से एक आपकी लिस्ट बनी हुई है, उसी में सभी क्लासें डली हुई हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। तो याद रखिए, 14 जुलाई 1789 बास्टिल के किले पर उत्तेजित फ्रांसीसियों द्वारा किए गए आक्रमण के साथ ही आपकी फ्रांसीसी राज्य क्रांति आरंभ हो गई। तो याद रखिए, 14 जुलाई 1789 से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? लुई सुलेवा फ्रांस का राजा था, लुई सोलेवा, याद रखना। टॉलीरीज राजमहल जहाँ आपके राजा रहा करते थे। क्रांति का स्वरूप की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति स्वेच्छाचारिता या फिर एक तंत्र और कुलीन तंत्र के विरुद्ध फ्रांसीसी जनता का विद्रोह था। जिस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में रोमन कैथोलिक चर्च के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह था, उसी प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति सक्षम और कुलीन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह था। विद्रोह के कारणों की बात करें तो लुई सोलैवा सदाचारी और अच्छी प्रकृति का होने के बावजूद भी अपने सामंतों और अपनी रानी मैरी अंतवा नेत के वश में था। उसने अपने योग मंत्री टारगोट तुर्गो को 1776 में बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उसने प्रशासन में सुधार करने तथा सामंतों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का यत्न किया था। इस प्रकार लुई 15वां और लुई 16वां अक्षम व्यर्थ सिद्ध हुए तथा वे अपने भ्रष्ट मंत्रियों एवं चापलूसों और स्वार्थी सामंतों की बस में 18वीं सदी में फ्रांस में लोगों की कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी। फ्रांस का शिक्षित वर्ग इस दोष को अनुभव करता था और अपने देश के इस राजनीतिक ढांचे से असंतुष्ट था। क्या था? असंतुष्ट था। फ्रांस में अधिकांश भूमि के मालिक सामंत एवं उच्च ऊंचे पादरी थे, जो संख्या में थोड़े होने पर भी विशाल यानी कि विशेष सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते थे। उन्हीं के पास एक विशाल भूमि का बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास था। चर्च एक निकम्मा परंतु धनी संस्थान बन गया था। फ्रांस के समूचे भूभाग का, याद रखिए, फ्रांस के समूचे भूभाग का 1/5 भाग कितना? 1/5 भाग चर्च की संपत्ति था और शेष भाग की उपज का 1/10 भाग भी चर्च का ही होता था। फ्रांसीसियों ने अमेरिकी स्वातंत्र युद्ध में भी भाग लिया, क्योंकि इंग्लैंड से उसकी पुरानी शत्रुता थी। फ्रांस के सामंत वर्ग स्थिति एवं व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सुविधा भोगी वर्ग थे। क्रांति के परिणामों की बात करें हम लोग, तो इसके परिणाम में थे कि फ्रांस में सामंतवादी को समाप्त किया गया। यूरोप में यह व्यवस्था 1000 वर्षों से चली आ रही थी। क्या था? 1000 वर्षों से चली आ रही थी, तो यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे क्या है? इससे कुलीनों के विशेष अधिकार समाप्त हुए और कर की समान व्यवस्था स्थापित हुई। क्रांति के दिनों में फ्रांस का रोमन कैथोलिक चर्च निष्क्रिय कर दिया गया। उसकी जगह पर राज्य द्वारा संपोषित समर्पित धर्मनिरपेक्ष सामाजिक एजेंसियों की स्थापना हुई।
नेपोलियन सत्ता में आया तो नेपोलियन के कानून चलाए। इन कानूनों की बहुत सी बातें लंबे समय तक चलन में बनी रहीं, उनमें से कुछ तो आज भी बरकरार हैं। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र शब्द का आधुनिक अर्थ स्पष्ट किया। राष्ट्र केवल उस प्रदेश को नहीं कहते हैं, जहाँ वहाँ के लोग रहते हैं, बल्कि उन स्वयं उन लोगों को कहते हैं जो वहाँ रहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को नहीं कहते हैं, याद रखिए, उन लोगों को ही कहते हैं राष्ट्र। अब फ्रांस केवल वह देश प्रदेश नहीं रहा जिसे लोग फ्रांस के नाम से जानते थे, बल्कि फ्रांस का अर्थ है फ्रांस के लोग समझा जाने लगा। संप्रभुता संपन्न होने के विचार के कारण ही फ्रांस की सैनिक शक्ति प्रबल हो सकी और संपूर्ण राष्ट्र उस सेना के साथ संगठित हो गया जिसके सैनिक क्रांति तरसी नागरिक थे। आगे बात करते हैं हम लोग। क्या है जेकोबिन? जेकोबिन संविधान के अंतर्गत समस्त लोगों को मताधिकार, विद्रोह करने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस का पुराना शासक राजघराना फिर राजगद्दी पर आ गया। जब नेपोलियन की हार हो गई तो उसके बाद फ्रांस का पुराना शासक राजघराना फिर राजगद्दी पर आ गया। यद्यपि कुछ ही वर्षों के बाद आपका 1830 में फिर एक क्रांति हुई। यहाँ 1848, उसके बाद क्या आता है, 1848 में राजतंत्र को फिर उखाड़ फेंका, हालांकि वह जल्द ही फिर शक्ति संपन्न हो गया। अंत में 1871 में गणतंत्र की पुनः स्थापना की गई यहाँ फ्रांस में। मतदान और प्रतिनिधि चुनने के अधिकारों से जनसाधारण की सभी समस्याओं का हल नहीं निकला यहाँ। किसानों को भूमि मिल गई किंतु मजदूरों और कारीगरों की क्रांति के मुख्य संचालक थे। शीघ्र ही फ्रांस उन देशों में से एक हो गया जिसमें सामाजिक समानता और समाजवाद के विचारों ने पहली बार एक नए किस्म के राजनीतिक आंदोलन को उठाया। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम देख लेते हैं। दिए गए सामंतवाद की समाप्ति, राष्ट्र की धारणा, सैन्य बल प्रबल, गणतंत्र की स्थापना, धर्म निरपेक्षता, नवीन कानून और मताधिकार इसके परिणाम रहे। ठीक है, तो ये थी आपकी फ्रांस क्रांति। आगे हम लोग बात करेंगे पूंजीवाद का विकास। अगला टॉपिक होगा हमारा पूंजीवाद का विकास।